सो हे गाइज फर्स्ट ऑफ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस मेरा नाम है करण और आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को कुछ इस टाइप की रील सिखाने वाला हूँ जो कि आप सभी ने अभी प्रीव्यू में देखी। तो इंस्टाग्राम पे आजकल कुछ इस टाइप की रील जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी, तो मैंने सोचा आप सभी के लिए इसके लिए एक ट्यूटोरियल क्यों ना बना दिया जाए। तो जो ट्यूटोरियल है गाइस इसमें जो भी मैं स्टोव वगैरह यूज़ करूँगा सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वीडियो को देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। बाकी गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी पास एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सर वीडियो एक लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले गए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को तो यार आप सभी को अपनी जो वीएन एप्लीकेशन है इसको ओपन कर लेना है, ठीक है, क्योंकि जो एडिटिंग हम वीएन एप्लीकेशन करेंगे और आप चाहो तो कैपकट में भी कर सकते हो, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके हम जो यहाँ पे एक मतलब पहले अपनी वीडियो को ऐड करेंगे, ठीक है यहाँ पे। सो जो मेरी वीडियो है मैं पहले इस वाली वीडियो को अपनी ऐड करूँगा एंड आप लोगों को जो यहाँ पे दो वीडियोज़ आपको रखनी है अपनी, ठीक है। तो आप लोग अपनी दो वीडियो बना लेना पहले। सो मैं एग्जांपल के लिए अपनी इस वीडियो को ले रहा हूँ एंड इसमें जो क्या करेंगे हम यहाँ पे जो मतलब वीडियो मैंने ले लिया, अब हमें चाहिए म्यूजिक, तो म्यूजिक वाला आइकन पे क्लिक करेंगे एंड जैसे म्यूजिक वाला आइकन पे क्लिक करेंगे हम प्लस के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे जो है हम यहाँ पे एक्सट्रेक्ट फ्रॉम फाइल कर देंगे, ठीक है यहाँ पे। तो उसके बाद जैसे हम यहाँ पे करेंगे तो उसके बाद जो है आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उस वीडियो को डाउनलोड करना है एंड उसका म्यूजिक आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चूज पे जाके हम यहाँ से इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे तो कहीं थोड़ा सा जो मतलब किसी को थोड़ा सा जो लेयर हम इसकी लंबी कर लेंगे ताकि जो है हमें इसे एडिट करने में जो आसानी हो, ठीक है। तो हम चला के देखते हैं कि म्यूजिक जो है हमें कहाँ पे मिल रहा है फोटो के लिए, ठीक है। तो मैं भी आपको स्क्रीन पे तो सुना नहीं सकता क्योंकि गाइस आपको जो पता है मैंने स्टार्टिंग में आपको जो वीडियो दिखाई है, अगर मैं बार बार वही म्यूजिक सुनाऊंगा तो यार कॉपीराइट क्लेम मेरे पे लग जाएगा तो मेरे वीडियो को खतरा हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बार बार नहीं सुना सकता, तो आप लोग यहीं से अंदाज लगा के समझ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को कट कर लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें जो है फोटो को उसको ऐड करना है। तो प्लस पर आइकन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम फोटोज़ में जाएंगे एंड यहाँ से फोटोज़ में जाने के बाद जो हम यहाँ पे अपनी फोटोज़ को ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपनी अच्छी अच्छी मस्त मस्त जो जो फोटोज़ होंगी आप उनको सिलेक्ट कर लेना यहाँ से। तो मैं भी उनको भी जल्दी से सिलेक्ट करता हूँ फिर बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। ओके सो ऑल राइट गाइस, सो हमने यहाँ पे जो फोटोज़ वगैरह अपनी देख लिए हैं, जो जो सी फोटोज़ चाहिए हम यहाँ पे हम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं अब, ठीक है। तो यहाँ से हम फटाफट उनको सिलेक्ट करते हैं एंड देन आप सभी को उसमें बताता हूँ आपको करना क्या है। अब जो क्या है हमने फोटोज़ वगैरह सेलेक्ट कर लिया, अब देखिए गाइस यहाँ पे जो आपको अपनी फोटोज़ का जो लेयर है ना उनको छोटा छोटा कर लेना है ताकि जो है मतलब कि जल्दी जल्दी आए फोटोज़ एंड जो आपकी स्क्रीन पर वो दिखे म्यूजिक के साथ, ठीक है। आपको म्यूजिक के साथ ऐड करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप सभी को, ठीक है। एंड म्यूजिक को आपको अच्छे से सुनना है ध्यान से पहले आराम से, ठीक है, कि म्यूजिक में कहाँ कहाँ पे हमें फोटोज़ चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे लेयर को जो है छोटा कर ले रहा हूँ सभी फोटोज़ के, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको फटाफट करते हैं फिर बताता हूँ आपको आगे करना है। तो गाइस यहाँ से जो हमने इसको यहाँ पे मतलब हमारी जो लेयर वगैरह हमने यहाँ पे बना ली, ठीक है, फोटोज़ का जो हमने साइज़ था हमने सबको छोटा कर लिया है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा चला के देखता हूँ एंड ये काफ़ी ऑसम लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एकदम अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब हमें प्लस का ही हमने क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जो एक लास्ट वीडियो मैंने आपको जो बोला था कि आपको दो वीडियोज़ अपनी बनानी है, ठीक है आपको, ठीक है। तो मेरे पे दोनों वीडियोज़ मैंने पहले बना रखी थी तो उन्हीं को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो मेरे को जो है यहाँ से इतना आइडिया जो है मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, आगे का। तो यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ एंड उसके बाद हम इसको जो है थोड़ा सा चला के देखते हैं, ठीक है। तो गाइस मैं भी आपको जो है फिल्टर वगैरह भी लगा के दिखाऊंगा कि आपको कैसे फ़िल्टर लगाना है एंड आपको कौन से मतलब कि कैसे अपलोड करना है वीडियो को, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। सो यहाँ पे हमारा इतना काम हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम जल्दी से एक्सपोर्ट कर लेते हैं एंड देन मैं आपको इंस्टाग्राम में इसको ले जाकर दिखाता हूँ कि आपको कैसे मतलब कि इसको अपलोड करना है, ठीक है। तो आपको मैं फ़िल्टर भी बताऊँगा, आपको ये फ़िल्टर भी इसमें ऐड करना है। सो वो कौन सा फ़िल्टर है, तो पहले हम यहाँ से चलेंगे इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम में जाने के बाद जो आप जैसे मतलब जो भी आपका जो सिंपल स्टेप होता है रील को अपलोड करने का वो सेम स्टेप आपको करना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ बस आपको फ़िल्टर कौन सा ऐड करना है। सो आपको सिंपली आपको करना क्या है, आपको साइड में स्क्रॉल करना है, ठीक है। एंड जैसे आप यहाँ पे करोगे आपको सिंपली रील वाले सेक्शन में चले जाना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली आपके अपनी वीडियो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो गलती से मैंने अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला ही वो सिलेक्ट कर लिया, तो मैं यहाँ पे वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे जो फिल्टर वाला ऑप्शन दिख रहा है म्यूजिक के वो नीचे जो सेकंड ऑप्शन है उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है एंड देन जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपको सिंपली सर्च बार वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको फर्स्ट पे ही आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे सिंपली टाइप क्या करना है, आपको यहाँ पे टाइप करना है 4K, ठीक है, 4K यहाँ पे टाइप करना है। तो आपको जो पहला इफेक्ट जो होगा ना यहाँ पे 4K क्वालिटी वाला आपको उसी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड इसको आप चाहो तो सेव भी कर सकते हो अपनी गैलरी में, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे सेव भी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को जो इफेक्ट है बहुत अच्छा लगा तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पर रोटेट कर लेते हैं एंड उसके बाद जो है क्या करेंगे, अब देखिएगा हमारी जो वीडियो यहाँ पे 4K लग रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको उसको यूज़ करना है, ठीक है, यहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे गाइस जो हमारी वीडियो एकदम कंप्लीट एडिट हो चुकी है, ठीक है। तो आप आशा करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आई होगी।